इस वक्त मैं आपको बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अख्तौलीवान सबको पसंद है, लेकिन आपकी पार्टी खड़ी करे ये बात किसी को पसंद नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने टिकट ऑफर किया, जदयू ने खुशा मक्कर का टिकट दिया, वजारत की पेशकश की, लेकिन जानो एक अख्तौलीवान है आपका भाई। 2014 आपको याद होगा, राजद से मैं एमएलए था और उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर पे दर पे गलत फैसले ले रहा था। उस वक्त चंद लोग राजद के एमएलए ने मशवरा किया कि नीतीश कुमार को इस गलत फैसले से रोकना चाहिए, मुस्लिम अकलियत और दलितों को नुकसान हो रहा है, बीजेपी से उनको अलग करना चाहिए। हम लोगों ने उसे बीजेपी से अलग किया, चंद लोग भाग गए फिर से राजद में, लेकिन मैंने अखलाकी तौर पर यह समझा कि नहीं, जब आदमी वचन दे तो पहाड़ टले, लेकिन जमा मर्दों की जबान नहीं टलनी चाहिए। मैं नहीं टलकर वापस जाऊंगा और मैंने उसका साथ दिया। उन्होंने कहा आप लोग चार रह गए हैं, राम लखन रमन, जावेद अकबर अंसारी, ये जो सम्राट चौधरी आज भाजपा में चले गए हैं, अख्तौलीवान, याद करो नौजवानों, ये तीनों लोग एमएलसी बनाए गए, वजीर बनाए गए। अख्तौलीवान भी अगर चाहता 2014 में जब नीतीश कुमार ने मुझे टिकट दिया जदयू का भाजपा से अलग होने के बाद, और भाजपा की तरफ जब कदम बढ़ाने लगा, तो अख्तौलीवान को 1-2-3 कहते हुए जदयू को जरा भी देर नहीं लगी। और आज एक मुनाफिक आया है आपके दरमियान में, 6 महीना पहले एमआईएम को बीजेपी की बीटीएम कहता था, 3 महीना पहले मसाल जुलूस निकालकर मोदी को गद्दी से हटाने की बात करता था, और अभी 3 महीने नहीं गुजरे हैं, अपने जात के फायदे के लिए, अपने खानदान के फायदे के लिए पूरी मिल्लत का सौदा करते हुए मोदी का तलवा चाट रहा है। आज उनको भी आपको पहचानना पड़ेगा, कौन है ये लोग, ये कौन मुनाफिक लोग हैं, कभी ये बोलते हैं कभी वो बोलते हैं। जब सीएए का काला कानून पेश हुआ, बोलता है कि अवैसी साहब ने बिल को चाक करके क्या कर दिया, तो तुम बताओ नट्टू कि जब सीएए के लिए जलसे हो रहे थे, कुदुक कुदुक कर क्यों भाषण देने जा रहे थे, कह रहे सीए का कानून गलत कानून है, तो आज किस आगा ने तुमको कह दिया कि इंटरव्यू देते हो कि सीए का कानून से कुछ मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ना है। दोगले यही होते हैं जिसकी जबानें बदलती रहती हैं, अहले ईमान तो वो होता है पहाड़ टलता है लेकिन उसकी जबान नहीं टलती है। मेरे भाइयों पहचानना पड़ेगा ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। मैं कहता हूं नौजवानों से, नौजवानों किसी जालिम ने तुम्हारे बाप का कत्ल कर दिया हो, भाई का कत्ल कर दिया हो, बेटे का खून कर दिया हो, लेकिन भूल गए हो, 2-4 साल गुजर गए हैं उस गम को भूल गए हो, लेकिन एकाएक तुम्हारी बस्ती में वो कातिल अगर आ जाए तो तुम्हारा गम ताजा होता कि नहीं, अगर जमीर जिंदा है तो तुम्हारा गुस्सा उभरता कि नहीं होता, अगर तुम्हारे अंदर में जमीर है, वाकई जिसका खून हुआ था उसे खूनी रिश्ता है, ईमानी गैरत है, इंसानी जमीर जिंदा है, तो कातिल को देखकर कोई चुप नहीं बैठेगा, बल्कि कातिल को अपनी बस्ती से बेआबरू होकर निकालने की कोशिश करेगा। मुझे बताओ बिल्किस हमारी और तुम्हारी बहन है कि नहीं है, क्या बिल्किस की आबरू उनके बेटों के सामने में, उनके बच्चों के सामने में लूटी कि नहीं? बीजेपी वालों ने बिल्किस के साथ रेप करने वालों के गले पे माला डाला कि नहीं डाला? तो आज बिल्किस की सरपरस्ती करने वाला तुम्हारी बस्ती में फिर रहा है, क्या उसको गरेबान पकड़कर उसको बस्ती से नहीं निकालोगे? अगर ईमान जिंदा है, याद करो जरा गुजरात को, गुजरात चल रहा है, मां के सामने में बेटी की आबरू लूट रही है, दूध पीते बच्चों को मां के आगोश से छीन छीन कर आगो में डाला जा रहा है, न जाने कितने जवान है जिनके सीने पर गोलियां चलाई जा रही है, और आज उस गुजरात के कातिल की हमदर्दी लिए हुए वो आदमी हमारी बस्ती में आया है, क्या गुजरात में जिसने हमारी माओ बहनों की आबरू लूटा वो मुसलमानों का दुश्मन था कि नहीं? क्या मुसलमानों के दुश्मन को साथ दोगे? आवाज से बोलो, दम है नारे से तो बोलो, क्या जिन लोगों ने गुजरात में मुसलमानों का कत्ल किया उसका साथ दोगे? क्या बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का साथ दोगे? क्या बिल्किस का रेप करने वालों का साथ दोगे? क्या सीए का कानून बनाने वालों का साथ दोगे? क्या जिन्होंने 370 को खत्म किया उसका साथ दोगे? क्या जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़वाने का काम किया उसका साथ दोगे? लोगों अगर यह तय कर लेते हो, यकीन जानो मसलहत पसंदी अच्छी चीज है, लेकिन बेजा मसलहत पसंदी, माँ की आबरू लूटे, बहन की आबरू लूटे,
और समझ रहे हो कि डाकू है, आबरू लूटता है, मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। ऐसे ना हंजार औलाद की जरूरत नहीं है, मां की आबरू बचाते हुए जो शहीद हो जाए उसी को दुनिया याद रखती है। मेरे भाइयों, आज वक्त हालात ऐसे हैं कि सीमांचल को सब कोई तबाह बर्बाद करना चाहता है। बोलता है विकास के नाम पर वोट मांगने आया है, तो विकास के नाम पर वोट मांगने आया हो तो फिर कोचा धामन के लोगों के लिए तुम्हारा विकास नहीं देखा कि 86,000 के मुकाबले में 36,000 में तुम्हारा कद तराश कर नीचे कर दिया। अगर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हो तो फिर दूसरे कातिलों के साथ जाकर क्यों बैठे हो? फिर मुसलमान जिस बीजेपी से दूरी अख्तियार किए हुए हैं उसका झंडा लेकर क्यों बैठे हो? विकास किनको कहते हैं? विकास अख्तरुल ईमान जब एमएलए रहा, यह पैगाम दे रहा हूं, ये कोई झूठे और मक्कार लोग जाकर कह रहे हैं हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सरकार की पॉलिसी बनी इंजीनियरिंग कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट वाइज इंजीनियरिंग कॉलेज बन रही है, इसमें तुम्हारा क्या दखल था? जब एमआईएम ने ललकार कर कहा कि देखो मुसलमानों की आबादी 12% है, तेलंगाना में 1 करोड़ भी नहीं है, वहां मुसलमानों के 1 लाख बच्चे टेमरिस के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में, ये पेश किया यहां के लोगों को भेजवाया गया और आज उसकी बुनियाद पर एक स्कूल खुला भी, बच्चे दाखिल नहीं हुए आज तक, उसको तुम गारंटी लेते हो? मकान बनाकर कमीशन खोरी का काम करने वाले, बालू गिट्टी ईंट सीमेंट की कालाबाजारी करने वाले, सड़कों पर रात को छापा मारने वाले, डाकुओं के साथ खड़े रहने वाले, लुटेरों के साथ लूटने वाले, तू समाज की कयादत करना चाहता है? जनता होशियार हो गई है, दूर का ढोल सुहाना होता है, हमारे कुछ लोग हैं, हम खबर देना चाहते हैं। मेरे भाइयों तरक्की करो, अक्सर मैंने कहा है एक बेटी का रिश्ता करते हो, एक बेटे का रिश्ता करते हो तो तहकीक करते हो, बहू गलत आए तो घर टूट जाएगा, अगर दामाद गलत हो तो बेटी की जिंदगी परेशान हो जाएगी, क्या पता नहीं एक नेता आवारा हो तो पूरी कौम की तकदीर बर्बाद हो जाएगी। आज नौजवानों को आवारा कौन बना रहा है? जरा आंखें फेर कर देखो, चोर उचक्के का सरदार कौन बना हुआ है? लूटो और बांटो कौन कर रहा है? अख्तरुल ईमान नजरियात की सियासत करता है, किसी का तलवा नहीं चाटता, फिरका परस्तों का झंडा लेकर कभी फिरने का काम नहीं करता है। फिरका परस्ती की तरफ कदम बढ़े थे नीतीश कुमार के, उस वक्त अख्तरुल ईमान ने 2014 में 1, 2, 3 तलाक मुगल्लजा दे दिया था, कभी उससे दोबारा निकाह की उम्मीद नहीं रखता है। मेरे भाइयों, और आज ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। मेरे भाइयों, आपको होशियार होना पड़ेगा। आज देखिए बैरिस्टर सुदनी वैसी साहब आए, उनके कदम पड़े और तरक्की शुरू हुई। बोलता है मेडिकल कॉलेज कहा, बोलता है इंजीनियरिंग कॉलेज कहा, तू बता कि बिहार का टैक्स तेरे ने लिया, तेरे आका ने लिया, किशनगंज को क्या दिया? अलीगढ़ की जमीन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और यहां के आवाम को सलाम के लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया, तो 3 साल के बाद नानी मर रही थी नीतीश कुमार की, जमीन देने पर मजबूर हुआ। 3 साल पहले अगर दे दिया होता शायद अलीगढ़ का मामला कुछ आगे बढ़ गया होता, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के लोगों को भी जवाबदेह होना पड़ेगा कि 2012 और 13 में, चूंकि 2011 के 30 दिसंबर को अलीगढ़ की जमीन का एग्रीमेंट हुआ था, 12 और 13 तक, 14 के अप्रैल तक इनकी हुकूमत रही, अलीगढ़ को एक पैसा देने का काम नहीं किया।